बड़ी काम का डायलॉग लिखो सबसे पहले, सबसे पहले काम का डायलॉग लिख, काम का डायलॉग लिखो, डोमेन निकालते समय लिखो, भले हिंदी में बोल रहे हो क्या मतलब, तुम तो मैथ सीख जाओगे ना, लिखो या इंग्लिश में लिखो, या तो पूरा मेरा सेंटेंस सुन लिया करो फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा करो, मेरे साथ साथ लिखना है तो हिंदी में लिख लिया करो, कोई शर्म थोड़ी आनी चाहिए तुमको हिंदी कॉपी में लिखी है तो, मातृभाषा भाई साहब आप जही पैदा हुए हो। फंक्शन की डोमेन निकालते समय फंक्शन के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और छेड़छाड़ नहीं, तुमने तो उसके साथ क्या कर डाला, x माइनस टू से x माइनस टू काट डाला, बताओ कोने में ले जाके, ऐसा थोड़ी चलेगा। छेड़छाड़ तो फिर भी ठीक, क्या कर डाला तुमने, ऐसा बिल्कुल नहीं अलाउड भैया। फंक्शन के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ अलाउ नहीं है जब आप डोमेन निकाल रहे हैं। और जब आप रेंज निकाल रहे हैं तो भाई साहब रेंज कर सकते नहीं, तो छेड़छाड़ कंपलसरी। क्या सुनो सुनो, जब आप रेंज निकाल रहे हो तो छेड़छाड़ कंपलसरी। रेंज मतलब एक्चुअली फंक्शन की आप क्या निकाल रहे हो, औकात, क्या निकाल रहे हो। तो भाई आपको अपनी औकात प्रूफ करना है, आईआईटी में आपका सिलेक्शन हो गया तो आपकी ताकत प्रूफ हो गई ना, औकात प्रूफ हो गई। अभी टीचर आपको आता सिर में लपाड़ा मार के चला जाता है, तुम एक बार सिलेक्शन निकालो, फिर टीचर से के ना बात, तू पीछे पीछे फोटो खिंचवाने मेरे साथ, औकात दिखा दिया आपने, और इनकेस आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी क्या दिखाई, मां बाप के पैसे डुबा दिए और खड़े हो गए, नहीं हुआ साहब क्या कर लोगे। तो रेंज मतलब क्या है, रेडियो सुनना, गाने सुनना, प्लास्टिक का वो फ्रेंडशिप बेल्ट लगा के घूमना, ये सब क्या है, वो कादी तो दिखाते हो मां बाप को अपनी, उनकी मेहनत की कमाई का धुआं निकालते हो। तो सुनिए, आपको कहीं पर अपनी औकात दिखाना है, कैसे दिखाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में तो नहीं, ये जो बीकॉम बीकॉम के कॉलेज होते हैं ना उसमें लड़के औकात दिखाते हैं, कैसे, किसी लड़की को छेड़ दिया, ठीक है, उसका भाई लड़ने को आया, उसी को मारा खूब, ये क्या दिखाई उसने, पूरे कॉलेज में उसका दबदबा हो गया, नहीं समझा। तो क्या करना है, उस लड़के ने उस लड़की को क्या किया, छेड़ा ना, तो कॉलेज में औकात दिखानी है तो क्या कंपलसरी है, जाते से ही क्या करो, नहीं रे बाबा, फंक्शन के साथ छेड़छाड़ कंपलसरी है जब भी क्या निकालनी हो, रेंज। तो आप डायलॉग लिख लीजिए, जब भी डोमेन निकालेंगे छेड़छाड़ नॉट अलाउड, कि ना घर की बच्ची है भैया बहन है उस, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं है ना, कब, जब क्या निकाल रहे हैं, डोमेन, और जब रेंज क्या निकाल रहे हैं, तो छेड़छाड़ इज कंपलसरी। जी लिखिए डायलॉग, लिखिए डायलॉग, लिखो भाई साहब, लिख दिया, एग्जाम्पल भी लिख दिया कॉलेज में जाने का, हाँ वो मत लिखना, माँ बाप कहेंगे रहन दो अपन को नहीं जाना ऐसी कोचिंग में। यस मालिक, चलिए भाई साहब सुनिए, आप बहुत बचपन से ये बात जानते हो कि कोई लॉग की पावर है कुछ तो वो पावर नीचे उतर जाती है। भाई साहब डोमेन निकालते समय आप इस टू को नीचे भी नहीं उतार सकते, काटना तो तुम कहोगे कि चलो ठीक है काटना उचित नहीं है, गायब कर दिया कुछ आपने, उस टू को नीचे उतारना भी अलाउड नहीं है, उसका कारण सुनिए। चलिए अब दो तीन मिनट बचे हैं, देखिए इधर घटना क्या है, लॉग की गोद में, यानी कि यहां पर लॉग की गोद में आप नेगेटिव नहीं रख सकते,
लॉक की गोद में क्या नहीं रख सकते, मना होता है, क्या मना होता है, नेगेटिव। सपोज करिए आपने एक्स की वैल्यू ली माइनस पांच, क्या ली भाई साहब, क्या ली, तो माइनस फाइव का स्क्वायर 25 प्लस का, यानी कि इस वाले फंक्शन में एक्स इज इक्वल टू माइनस पांच अलाउ है, तो उसकी डोमेन में नेगेटिव वैल्यूज भी आ गई ना। मगर आपने 2 यदि नीचे उतार लिया, अब आप यहां नेगेटिव नहीं रख पाओगे, डोमेन चेंज हो गई। यह है कारण, किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नॉट अलाउड। यहां तक कि आप यह भी नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर लिखा है और मॉड लिखा है तो आपने एक्स लिख दिया। अब की बार प्रॉब्लम मालूम कहां आएगी, रेंज में, रेंज में आएगी। सुनिए, आपने सपोज करो यहां प्लस का पांच रखा, उसका स्क्वायर 25 और फिर उसका रूट 5, प्लस का, प्लस माइनस नहीं, उसका कारण अगली क्लास में बताऊंगा, सिर्फ प्लस का। आपने माइनस का 5 रखा, उसका स्क्वायर हुआ कितना हुआ, फिर उसका रूट लिया, माइनस का 5 नहीं, यानी कि हर बार आंसर क्या आ रहा है, प्लस 5। डोमेन क्या है, कुछ भी रखो प्लस का या माइनस का, बस जीरो नहीं रख सकते। इस तरफ की डोमेन क्या है, कुछ भी रखो, प्लस का रखो माइनस का रखो, बस जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना, फिर रूट ले रहे हो। मगर इधर आंसर क्या लिखा, एक्स, इधर भी डोमेन क्या है, जो दिल चाहे रखो, मगर यहां पर आप जीरो रख सकते हो, नहीं नहीं आई एम सॉरी यहां पर जीरो भी रख सकते, मैं अपॉन समझ के बैठा था, सॉरी यहां पर क्या है, ऑल रियल नंबर, आप क्या रख सकते हो, जीरो भी रख सकते हो। यहां पर भी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, कोई टेंशन नहीं। मगर होल्ड, यदि आप इसको एक अलग फंक्शन fx बोल रहे हो और इसको एक अलग फंक्शन fx बोल रहे हो, तो जरा सोचो, आपने इसमें 5 रखा, आंसर क्या आएगा, इसमें भी 5 रखने पर 5 आ रहा था,